दिल्ली के अलीपुर मार्केट में एक फेक पेंट फैक्ट्री में कल देर रात भीषण आग लग गई। बेहद सक्रिय इलाके में स्थित इस पेंट फैक्ट्री में हादसे के वक्त मजदूर काम कर रहे थे और जो लोग आग लगने के बाद बाहर नहीं निकल पाए वो दरअसल मरने वालों की अब संख्या 11 हो गई है। आग इतनी भयानक थी कि लपटें दूर तक दिखाई दी। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास की कुछ दुकानें और कुछ घर भी आग की चपेट में आ गए। आशंका यह है कि मजदूरों के अलावा कुछ और लोग मारे गए हैं। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। देर रात तक आग बुझाने का काम चलता रहा। सुबह दमकल की टीम ने आग को काबू किया। केमिकल की फैक्ट्री है जिसमें पेंट बनाने का काम होता था। कल तकरीबन 5:22 पर फायर को ये कॉल मिली कि एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। आनन फानन में फायर की टीम पहुंची। आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये पूरी फैक्ट्री इनलीगल तरीके से रिहायशी इलाके में चल रही थी और यहाँ पर एक दर्जन से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। जब ये आग लगी तो इन तमाम ड्रम्स के अंदर केमिकल्स थे और पेंट थे, उसमें ब्लास्ट होना शुरू हो गया जिसमें कई सारे मजदूर अंदर ही फंस गए जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। आप अंदाजा लगाइए कि जब इस फैक्ट्री में आग लगी उसकी लपटें इस पूरी गली में, इस पूरे इलाके में जो है वो फैल गई। आसपास की तमाम बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। मेरे सामने अगर आप ये देखेंगे ये नशा मुक्ति केंद्र है जिसमें कई सारे बच्चे मौजूद थे जिनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। इसके बाद आसपास की तमाम ये जो बिल्डिंग्स है, मैं अपने कैमरामैन अभिषेक से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से ये पूरा आलम था जिस वक्त ये आग लगी और आसपास की तमाम गाड़ियां, तमाम मोटरसाइकिल्स, उन सब में आग ने अपनी चपेट में ले लिया। ये यहाँ पर कई सारे मजदूर थे और आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। दूर तक आग की लपटें देखी जा सकती हैं और क्योंकि ये पेंट फैक्ट्री थी इसलिए आग तेजी से फैली और आसपास के घरों और दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंचने में दिक्कत हुई क्योंकि सक्रिय गली बताई जा रही है जिसमें गाड़ी का पहुंचना भी मुश्किल दिखाई दे रहा था। आपने हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखी, उसने बताया कि कैसे बगल में ही एक नशा मुक्ति केंद्र है, उसमें कुछ बच्चे थे जिन्हें रेस्क्यू किया गया, लेकिन बताया यह जा रहा है कि अभी तक मरने वालों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मरने वालों का आंकड़ा 11 तक पहुंच गया है। लड़के को ढूंढ के दे भाई।